अमित शाह पटना पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद है। आरा में आयोजित विजयोत्सव में शामिल होंगे गृह मंत्री और स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद है। पटना से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। स्वागत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर ही मौजूद है और थोड़ी देर में वो आरा में आयोजित विजयोत्सव में शामिल होने के लिए निकलेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पटना पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरा में आयोजित विजयोत्सव में थोड़ी ही देर में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं, हालांकि एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद है और कौन कौन से बड़े नेता? देखिए नीतीश हैं पटना एयरपोर्ट, उनके साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद हैं। अमित शाह का विमान अब से महज लगभग एक मिनट पहले पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है जी। और अमित शाह बस विमान से उतरेंगे, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री, साथ ही साथ भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत करेंगे। और 10 मिनट का वो स्वागत कार्यक्रम है। 10 मिनट के बाद अमित शाह वहां से, जब स्वागत कार्यक्रम खत्म होगा, अमित शाह बीएसएफ के विशेष हेलीकॉप्टर से आरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अमित शाह पटना आ चुके हैं। सुरक्षा के इंतजाम की बात करें पूर्वी, तो अंदर बाहर काफी सुरक्षा है। सीआरपीएफ के विशेष जवान को तैनात किया गया है, बिहार पुलिस के जवान है, साथ ही साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं अंदर और बाहर, स्टेट इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं जी। और पटना के डीएम, पटना के सुप्रीम कमिश्नर, आज के डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। जो गृह मंत्री हैं तो निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल का मामला है, जब राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच जाए तो अपने आप में यह स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल हो जाता है, इसलिए सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। अब स्वागत अमित शाह उतर रहे हैं, स्वागत उनका किया जाएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको गुलदस्ता देकर बिहार की धरती पर उनका स्वागत करेंगे, उसके बाद शिक्षा मंत्री करेंगे, उसके बाद भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल करेंगे। तो बिल्कुल कार्यक्रम बहुत छोटा है स्वागत का, क्योंकि 12:30 में उनको निकल जाना है पटना एयरपोर्ट से, 12:40 में उनका जो विशेष हेलीकॉप्टर वो टेकऑफ करेगा और उसके बाद वो आरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार बहुत देर पहले ही पहुंच गए थे और अब यहाँ कह सकते हैं कि अमित शाह का स्वागत सुने जा रहा है और अमित शाह का स्वागत खत्म जाने के बाद अमित शाह सीधे आरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच, हालांकि अमित शाह को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना है लेकिन अंदर और बाहर प्रोटोकॉल है, केंद्र के गृह मंत्री हैं जी, तो पूरी सुरक्षा बरती गई है। गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया पटना एयरपोर्ट के अंदर अभी आने से और सुरक्षा भी कर दी गई है अंदर और बाहर दोनों, और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, सीआरपीएफ के अंदर जवान तैनात है, बाहर तैनात है, सेंट्रल इंटेलिजेंस के अधिकारी तैनात है, आईजी के अधिकारी तैनात है, स्टेट इंटेलिजेंस के अधिकारी तैनात है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी तैनात है, हर सूचना का संग्रह किया जा रहा है और फिलहाल अधिकारी जमे हुए हैं। मुख्यमंत्री जब निकल जाएंगे उसके बाद जब हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल जाएगा तब जा करके कह सकते हैं कि अधिकारी लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अब अमित शाह का स्वागत मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और विधिवत स्वागत कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मरगूब। तो आरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचेंगे और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि तमाम बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद है और सभी ने उनका स्वागत किया पुष्पगुच्छ देने के साथ और थोड़ी देर में वो विजयोत्सव में शामिल होने के लिए आरा के लिए रवाना होंगे।